वेलकम टू करंट अफेयर फंडा आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो so प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें इससे अपने कमेंट करें और उसको शेयर भी करें सो लेट एस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक इससे पहले जो उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें समय डिस्कस किया था कि फोटो का प्रोसेस क्या है दैट मीन्स वट इज द बेसिस प्रोसेस उसकी इक्वेशन क्या थी जैसे कि यहाँ इस स्लाइड में नीचे हमने लिखा हुआ है दैट इज द दैट इज द करंट इक्वेशन जो कि हम नाव uh, डेज हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की नाउ का प्रोसेस क्या है का प्रोसेस है कि uh, दैट इज अ प्रोसेस थ्रू विज द जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाईऑक्साइड एंड वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अ होल प्रोसेस ऑफ द फोटोसेंथिसिस इसके बाद हमने जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था वट अबाउट द पिंगमेंट कि पिगमेंट क्या होते हैं दैट मीन्स क्लोरोफिल ए बी और इसके साथ में हमने कुछ मीन्स जो असेसरी पिगमेंट्स होते हैं हम किनको हम कौन से ऐसे पिगमेंट हैं जिनको हम असेसरी पिगमेंट कहते हैं और क्यों कहते हैं ये सारा पोर्शन हम फर्स्ट इसके पार्ट में हम कवर कर चुके हैं नाव अब हम स्टार्ट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़म कैसे है मतलब कि ये तो हमने देख लिया कि इसका बेसिस प्रोसेस क्या है लेकिन ये किस तरीके से आगे प्रोसीड होता है इसके दैट मीन्स कि किन किन स्टेप में ये प्रोसेस कवर होता है सो so, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके एक्चुअल में बेस इसके दो स्टेप्स हैं या हम कह सकते हैं कि दो तरीके के रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्योंकि जैसे ही सनलाइट ग्रीन पार्ट के ऊपर पड़ती है तभी ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं और इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है मतलब जो ऑक्सीजन का हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है दैट इज़ ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन के दौरान ही ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है और ये पूरा प्रोसेस क्या है? लाइट uh, रिएक्शन का uh, किस तरीके से ये होता है इसके इसके दो तरीके के पाथवे हैं और वो पाथवे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउ जो उसका दूसरा स्टेप है दैट इज अ डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है और ये जो रिएक्शन है इसका मीन्स uh, इसका जो बेस इसका जो उसका मेन फंक्शन है दैट इज इसका जो बायो एसिमुलेशन का फंक्शन है और द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन इसी रिएक्शन के दौरान होती है जिसको हम इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट जो हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम केवल अपना जो डिस्कशन है वो हम केवल लाइट रिएक्शन तक ही रखेंगे नाउ बिफोर गोइंग टू द लाइट रिएक्शन आप जब हम इसका हम इसका होल डायग्राम देखेंगे तो वहाँ आपको कुछ फोटो सिस्टम इस तरीके से लिखा हुआ आपको मीन्स आपको ऑब्ज़र्व होगा पी एस वन पी एस टू सो जिससे कि आपको वो डायग्राम ठीक से समझ में आए सो so, इसलिए हम पहले देखते हैं कि पिगमेंट सिस्टम क्या है या ये जो फोटो सिस्टम या ये पिगमेंट सिस्टम इसको कह सकते हैं वन एंड टू ये क्या है ये जो फोटो सिस्टम्स हैं ये uh, ये दैट इज़ ये जो है इसमें एक्चुअल में इनमें पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं अब वो पिगमेंट मॉलिक्यूल किस तरीके से प्रेजेंट है उनकी क्या क्या क्वांटिटी है उसके मुताबिक हमने इनको फर्स्ट एंड सेकेंड कहा गया है फर्स्ट एंड सेकेंड का जो डिमार्केशन है दैट इज़ कि जिस ऑर्डर में इनकी डिस्कवरी हुई है उसी ऑर्डर में इनको फर्स्ट और सेकेंड इनको नेम दिया गया है फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम वन इज द सेम थिंग सो नो व्हाट इज अ टू पिगमेंट सिस्टम टू पिगमेंट टू पिगमेंट सिस्टम का मतलब है पी वन एंड पी टू अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटो सिस्टम वन क्या है फोटो सिस्टम जो वन है या पिगमेंट सिस्टम वन इसकी जो पोजिशन है दैट इज लोकेटेड ऑन द ग्रेना के आउटर सरफेस पे ये प्रेजेंट है अब ये ग्रेना ये जो ग्रेना और थैलकॉइड हैं ये क्या हैं ये क्लोरोप्लास्ट के ही पार्ट्स थे जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है होलसम वहाँ ये ये सब कुछ हम फर्स्ट इसके पार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है सो बिफोर गोइंग थ्रू द दिस सेकंड पार्ट प्लीज आप एक बार फर्स्ट वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ग्रेना एंड थैलाक्लाइड क्या हैं अब जो फोटोसिस्टम सिस्टम वन है वो ग्रेना के आउटर सरफेस पे बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इसमें नियरली 200 से लेके 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वेदर ट्रिस क्लोरोफिल ए और बी कोई भी हो सकते हैं लेकिन 200 से 400 के बीच की इनकी संख्या होती है साथ में 50 कैरेटेनॉइड प्रेजेंट होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ पी P700 ये इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि जो ये पी सेवन हंड्रेड है और पी सेवन हंड्रेड क्या है P700 is, में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है और ये 700 क्या चीज है 700 है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है सो so इसका जो हमने एब्रीवेशन दिया है दैट इज ए सेवन और या फिर एक मॉलिक्यूल ऐसा प्रेजेंट होता है जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट को एब्सॉर्ब करता है एंड दैट मेक्स अ रिएक्शन सेंटर ये है रिएक्शन सेंटर बाकी इसके अंदर और क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि 200 से 400 के बीच में जो मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल ए एंड बी के ही हैं इसके साथ में 50 केरोटोनोइ प्रेजेंट है अब ये सब इन सब का काम क्या है ये इन सब का काम क्या है कि ये जो 200 से 400 सौ क्लोरोफिल ए और बी के और मॉलिक्यूल्स हैं और जो 50 कलेटेनॉइट्स के, के मॉलिक्यूल हैं ये सब जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो सब के सब अपनी एनर्जी को इस रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं इसी वजह से हम इनको असेसरी पिगमेंट कहते हैं इस पोर्शन को भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था सो so, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दैट एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए का जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे इट को एब्जॉर्ब करता है एंड दैट मेक्स अ रिएक्शन सेंटर फॉर द फोटो सिस्टम वन बाकी जितने भी असेसरी मॉलिक्यूल्स हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन सेंटर पर उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इज लाइट ग्रीन इन कलर इसकी जो अपेयरेंस आती है वो लाइट ग्रीन ये हमें ऑब्जर्व होता है पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एट और बिलो सेवन हंड्रेड नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट That is about the photosystem one. Now come to the photosystem second. Photosystem second ये आ, इसकी position कहाँ होती है ये होता है इनर सरफेस पर प्रेजेंट होता है ग्रेना की ग्रेना क्या है ग्रेना क्या है दैट इज अ thylakoid जो sac है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं उनको हम ग्रहना कहते हैं अभी ग्रहना की इनर सरफेस पर मीन उसकी अंदरूनी सरफेस पर फोटो सिस्टम जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है सिंगल मॉलिक्यूल दैट इज अ पी सिक्स एट्टी या फिर क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल सिक्स एट्टी इसका मतलब है कि वो सिक्स एट्टी नैनोमीटर की वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है दैट मेक्स अ रिएक्शन सेंटर सो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या है दैट इज अ पी बाकी क्या प्रेजेंट है बाकी यहाँ पे 200 क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं, मतलब 200 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए और बी के प्रेजेंट है 50 कैरेटेनॉइड हैं दे ऑल एक्ट एज अ असेसरी पिगमेंट और वो वो एक मींस uh, वो पर्टिकुलर एनर्जी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफर कर देते हैं इस चीज का क्या मतलब है ना फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है फोटो मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस का होना किसका वॉटर का ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जब भी किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस अब यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वाटर का सो so, ये देखिए वाटर मतलब एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये होता है इक्लोबिरियम का साइन इट गिव्स एच प्लस मतलब प्रोटोन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ओ टू इसको बैलेंस करेंगे दैट इज अ टू प्रोटोन टू इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ओटो ये दैट इज अ फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ये जो फोटो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान मींस uh, जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है हम कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस निकलती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो इसी वजह से है इसी प्रोसेस की वजह से लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये वाटर वाटर ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा होता है और इसके साथ होती है प्रेजेंस मैग्नीज टू प्लस आयन साथ में क्लोराइड आयन और साथ में कैल्शियम uh, आयन इन इन सब की प्रेजेंस के साथ uh, जो है फोटो ऑक्सीडेशन होता है वाटर का और इसके साथ सिस्टम इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम सेकेंड इसका पूरा जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा जो हम आने वाली स्लाइड्स पे आएंगे सो लेट अस स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है सबसे पहले हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस जि जि जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं इसके साथ में एटीपी का जनरेशन होता है नाउ ये जो इसके दो स्टेप हैं एक एक स्टेप है लाइट रिएक्शन एक है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन जैसे हमने बोला ये इसको हम फोटोकेमिकल फे इसको हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं और जैसे ही लाइट सनलाइट ग्रीन पार्ट के ऊपर पड़ती है तभी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है डार्क रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल फेज भी कहते हैं एंड लाइट रिएक्शन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लाइट रिएक्शन कहां होता है लाइट रिएक्शन होता है इन द ग्रेनापायर

लाइट रिएक्शन अब लाइट रिएक्शन से हमने बार बार हम कह रहे हैं कि ये वैसे ही स्टार्ट हो जाता है जैसे ही लाइट ग्रीन पार्ट के ऊपर पड़ती है या ग्रीन प्लांट के ऊपर या क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है वैसे ही लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है अब लाइट रिएक्शन में दो दोनों ही पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं पीएस वन भी होता है पीएस टू भी होता है पीएस वन और पी एस टू दोनों ही लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ये एक पर्टिकुलर वेव लेंथ पर्टिकुलर एनर्जी को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और ये एनर्जाइज हो जाते हैं देखिए इस वक्त हम जब कह रहे हैं पीएस वन पी एस टू तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट पे हैं जब भी कोई सिस्टम या कोई मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेता है तो हम उस केस को कहते हैं दैट इट इज एक्साइटेड और द एनर्जाइज इसका मतलब है कि इस वक्त इसका एनर्जी लेवल हाई है Now, the light and their to the जो रिएक्शन सेंटर है इसके अलावा जो असेसरी पिगमेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनका काम क्या होता है वो अपनी उस एब्जॉर्ब लाइट या अपनी उस, उस जो, जो, नुने, जो नुने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है उसको रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफर कर देते हैं अब क्योंकि उन्होंने रिएक्शन सेंटर पे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया और इसके साथ में फोटो सिस्टम सिस्टम टू ने मीन्स उन्होंने अपना भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करा है सो so देर उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दे बिकम सो एनर्जाइज मतलब दे आर नाउ दे आर एक्साइटेड उनकी एनर्जी इस वक्त नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा होती है जब नॉर्मल होते हैं तो उनको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट जब उनकी एनर्जी हाई हो जाती है वो और ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं और और ज्यादा एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं तब उनको हम कहते हैं एक्साइटेड या फिर एनर्जाइज और जब भी ऐसा होता है तो वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है हमारा कहने का मतलब ये है मान लीजिए दैट इज अ पी एस सेकेंड पीएस सेकेंड दैट मीन इसका रिएक्शन सेंटर है ए या फिर पी सिक्स एट्टी अब ये जो पी सिक्स एट्टी है इस वक्त ये ग्राउंड सेट में इसका मतलब है इसकी एनर्जी नॉर्मल है अब जैसे ही ये सनलाइट से एनर्जी ले लेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को इसने एब्सॉर्ब कर लिया और इसके साथ में असेसरी पिगमेंट्स ने भी इसको अपनी एनर्जी दे दी सो so, यहां से एनर्जी आई दैट मीन दे आर द असेसरी पिगमेंट की जो एनर्जी थी और ये थी सनलाइट की एनर्जी सो so, अब दोनों एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये जो अभी ग्राउंड स्टेट में जो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी रेज हो जाएगी नाउ दे बिकम एक्साइटेड और उसको हम दिखाते हैं इस तरीके से कि नाउ दे आर द एक्साइटेड मॉलिक्यूल अब जब भी ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल होंगे तो ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये जो उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उन्होंने एक एक मीन्स जो उन्होंने एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी मीन्स वो अपनी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन के रूप में या एक इलेक्ट्रॉन के साथ ट्रांसफर कर देते हैं that is how the light reaction ये, ये, है, ये, है, ये प्रॉपर एक ये बड़ा प्रोसेस है इसको हम पार्ट में डिस्कस करेंगे ये एक ही फिगर के हमने अलग अलग इसको हमने हम पार्ट करेंगे और फिर हम इसको होलसम पिक्चर को देखेंगे तब हमें मीन्स हमें, ये जो रिएक्शन है ये बेटर समझ में आएगा ये था P680 सिक्स और वो फोटो सिस्टम सेकेंड यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ी और जितने भी असेसरी पिकमेंट हैं उन्होंने अपनी एनर्जी इसको दे दी और यहां से सनलाइट की एनर्जी भी आ गई अब इसकी एनर्जी बढ़ गई जो अभी इसकी एनर्जी है उससे ज्यादा उसने एनर्जी प्राप्त कर ली तो अब ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में ये जो आप पी के ऊपर इस तरीके से स्टार का साइन देख रहे हैं मतलब कि अब जो मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है अब क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, तो अपने में से ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेगा और उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलेगा? उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकल जाएगी अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन चला गया फ्योफाइटिन पर फ्योफाइटिन क्या है फ्योफाइटिन इज अ मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फियोफाइटनिन ले लिया फियोफाइटनिन के बाद ये जो QA है दैट इज अ क्विनोन ये क्विनोन है क्विनोन सो क्विनोन इज द प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर द PS2 प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है एक्सेप्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को रख लेता है उनको हम एक्सेप्टर कहते हैं और जो QA का एब्रिविएशन है दैट इज फॉर द क्विनोन मॉलिक्यूल क्विनोन इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर दी एस सेकेंड इन लाइट रियक्शन एंड इज अंपेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग प्राइमरी है कि इलेक्ट्रॉन uh, uh, का ट्रांसफर कैसे हो रहा है पी सिक्सटी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया फ्योफाइटिन पर फ्योफाइटिन से

मतलब दैट मीन्स बाहर कर देगा या एस्केप कर देगा या किसी को दे देगा सो so, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा टू द नियर बाय असेप्टर मॉलिक्यूल असेप्टर मॉलिक्यूल वो वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि उस इलेक्ट्रॉन को आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बड़े आराम से मीन्स अपने अंदर वो उसको मीनस uh, उसको एडजस्ट कर सकते हैं उनको हम असेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं नाउ यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे कि फियोफाइटिन फियोफाइटिन के बाद यह गया क्विनोन के बाद अब क्विनोन के बाद यह जाता है प्लास्टो क्विनान पर देन उसके बाद जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड उसके बाद यह जाता है प्लास्टोसाइनिन दिस इज द मीन्स एक सीरीज टाइप का है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट about the quinone. Quinone is a primary acceptor for the photosystem. Second, quinone ke baad ye gaya tha electron to the plastocyanin. Then cytochrome complex and then to the plastocyanin. Now one thing is that कि uh, जैसे हमने कहा कि जब भी कोई organic molecule या कोई भी molecule मिस uh, अगर वो electron को donate करता है, जैसे मान लीजिए uh, कोई भी molecule है, या फिर ये फियोफाइटिन नहीं है इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक दे दिया तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज दैट इज अक्सीडाइज क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को का डोनेशन कर दिया है अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया तो वो बन वो मीन्स यहां पर यह है क्विनॉन सो so, क्विनॉन हो गया रिड्यूस्ड ये जो टर्मनोलॉजी है मे भी ये आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होंगी बट जैसे कि मीन्स uh, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और जो एंटिटी मीन्स जो मॉलिक्यूल जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो गया जिसने उस इलेक्ट्रॉन को लिया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो उसका प्रोसेस हो गया रिडक्शन का प्रोसेस इसी वजह से हम उस मॉलिक्यूल उस उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसने उस इलेक्ट्रॉन को अपने में रख लिया है उसको हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड इस जो जो टॉपिक को ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इसको हम केमिस्ट्री के टॉपिक में हम इसको पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन यहां पर हो रही हो सो आप एक बार केमिस्ट्री के मीन uh, उसके वीडियो में उसकी प्ले में इसको देखिएगा अब क्योंकि ये P680 हमने कहा कि ये पूरे इसने सीरीज के दौरान लास्ट में ये प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया अब जो ये प्लास्टोसाइनिन का इलेक्ट्रॉन ये कहा जाता है ये इसको पी एस वन लेता है नाउ अब हम कह रहे थे कि इसी मीन्स uh, जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है यहीं पर फोटो ऑक्सीडेशन होता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर।, वाटर की जब हमने इक्वेशन देखी थी वहां पर हमने देखा था कि दैट टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ओटू यहां पर था कि ये वाला मॉलिकुलर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नाउ व्हाट अबाउट द टू इलेक्ट्रॉन ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन इसको ये पी सिक्स एट्टी जो कि इस वक्त एक्साइटेड है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेता है देखिए अपनी एनर्जी को तो वो दे चुका है साथ में अपना एक इलेक्ट्रॉन भी उसने दे दिया अब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से वापस ले, ले लेता है तो ये दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है ये इस तरीके से प्रोसेस आगे चलता रहता है ये नहीं है कि अगर एक बार ग्राउंड स्टेट से वो ऊपर चला गया तो वापस नहीं आएगा वो वापस आ जाता है वो दोबारा से किसी और प्रोसेस से मींस uh, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन कर लेता है नॉट अबाउट द एनर्जी वो uh, क्योंकि उसने तो अपनी एनर्जी का तो लॉस कर लिया लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है नाउ जैसे हमने कहा कि द पिगमेंट अब नाउ कम टू द का जो उसको दूसरा पोर्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व है फोटो सिस्टम वन सिमिलरली जैसे ही सनलाइट से मीस मीन जैसे ही सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इट बिकम्स एक्साइटेड जैसे ही ये एक्साइटेड हुआ ये भी सिमिलर प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन का करेगा विद एनर्जी और वो इलेक्ट्रॉन जाएगा सम आयरन सल्फर प्रोटीन पर और इसके बाद जाएगा फेरेडोक्सिन पर सो फेरेडोक्सिन इज अ सेप्टर केस ऑफ दी एस वन और द फोटोसिस्टम वन उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है एन प्लस पे एन प्लस क्या है दैट इज अ निकोटीनामाइट एडिन इन डायरिक्लोटाइट फॉसफेड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इस पर आया सो इस वक्त ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा इट गेट रिड्यूस्ड और ये बना देता है एन यहां पर यह प्रोसेस जाके रुकता है नाउ क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो वापस भी आएगा अब ये पी मीन्स uh, जैसे ये एक्साइटेड हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसी प्लास्टोसाइनिन से ये देखिए डॉक्सिडाइज रिएक्शन सेंटर ऑफ पी वन क्योंकि वो ऑक्सिडाइज का मतलब क्या है कि उसने एक मीन्स uh, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये ये वापस रिटर्न बैक होता है इलेक्ट्रॉन लेता है ये प्लास्टोसाइन uh, प्लास्टोसाइनिन से एंड कम टू द Ground state that is a whole process of the uh, means of the light reaction. अब ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे दैट इज अ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे दैट इज अ होल प्रोसेस जो ये जो लाइट रिएक्शन है ये दो तरीके से होता है एक तो है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे जो हम करंटली डिस्कस कर रहे थे दूसरा है साइक्लिक प्रोसेस जिसको हम इसके थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे एंड अबाउट द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस सो ये पूरा जो प्रोसेस था दैट इज अ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सो दैट इज हुआ इसने अपनी एनर्जी और अपना इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले फ्यूफाइटिन को दिया उसके बाद क्विनान देन उसके बाद प्लास्टो क्विनान उसके बाद साइटोक्रोम और उसके बाद प्लास्टो प्लास्ट्रोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन सेवन हंड्रेड पे मतलब कि फोटो सिस्टम वन के रिएक्शन सेंटर पे दे देता है और उसका पर्पस बाद में सॉल्व होता है क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब जब ये एक्साइटेड हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको वापस रिटर्न आने के लिए इसी प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तभी ये वापस आ पाता है ये जो uh, P700 है ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है आर एन सल्फर प्रोटीन पे देन उसके बाद फेरोडॉक्सिन पे उसके बाद एनएडीपी प्लस एनएडीपी एच सो दैट इज होल प्रोसेस ऑफ द लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन के दौरान क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई की दैट द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एन ये दो चीजें हुई ये uh, जो लाइट रिएक्शन के दौरान इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीन्स uh, की किस तरीके से जो साइक्लिक पाथ हुए क्या होता है और इसके बाद मींस फोटो एंड द डार्क रिएक्शन दट ऑल वी डिस्कस इन द थर्ड पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विद दिस नोट वी एंड आर सेशन सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल दिस इज आर ट्विटर हैंडल लिख दिस इज आर फेसबुक पेज एंड दिस इज आर वेबसाइट सो विद दिस नोट थैंक्स थैंक्स फॉर लिसनिंग मी है नाइस डे